हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत क्वाड्रेंसी। लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि 2D एरे मैट्रिक्स एडिशन कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2D एरे आप कैसे बनाते हो, तो जो आपने 2D एरे बनाया था वही आपका एक मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि मैट्रिक्स एक्चुअल में रोज एंड कॉलम के फॉर्म में ही तो हम बनाते हैं। तो लास्ट टाइम में जो आपने बनाया था ये आप एक्चुअल में एक सिंपल मैट्रिक्स बना दिए आप, और हमें इस वीडियो में क्या करना है, दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है। तो यहां पे हम एक और मैट्रिक्स बना लिए हैं, सेम वैसा ही बनेगा जैसा आपने फर्स्ट वाला बनाया था। तो यहां पे भी हम 2 रोज एंड 2 कॉलम लिए हैं, जो एलिमेंट लिए हैं वो 2, 3 है और दूसरे वाले रोज में 4, 5 है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये सेकेंड वाला है, 2, 3, 4, 5। इसका भी इंडेक्स वैसा ही होगा, 0, 0 पे 2 हो गया, 0, 1 पे 3 हो गया, 1, 0 पे 4 हो गया और 1, 1 पे 5 हो गया। तो देखिए, मैट्रिक्स एडिशन करने के लिए आपको क्या करना है, इसको और इसको प्लस करना है, और प्लस करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा उसको आपको एक तीसरे वाले वेरिएबल पे स्टोर करना है, जो कि एक एरे होगा और वो भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। तो इसमें भी हम 2:2 का साइज लेंगे। तो ये करने के लिए आपको एक लूप चलाना होता है, और लूप चलाने के लिए हमेशा याद रखना है पहले रो चलता है, उसके बाद कॉलम वाला एलिमेंट चलता है, फिर दूसरा रो चलता है और फिर दूसरा वाला कॉलम चलता है। इसका ये मतलब हुआ कि आपका जब एक रो चलेगा तो उस केस में आपका 2 कॉलम वाला एलिमेंट चलेगा, फिर दूसरा वाला रो चलेगा तो उस केस में आपका दूसरा वाला कॉलम चलेगा। मतलब एक रो चलने पे आपके 2 एलिमेंट चल रहे हैं 2:2 मैट्रिक्स में। तो इसका एडिशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी लास्ट टाइम हमने बनाया था इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और सेम यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमने बी कर दिया है, ये 2:2 ही रहेगा, और यहाँ पे जो हमने वैल्यू लिया है वो 2, 3, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तीसरा मैट्रिक्स लेना है, तो इंट सी, इसमें भी 2 रो होंगे एंड 2 कॉलम होंगे, ये यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, एक लूप चलाना है। तो लूप चलाने के लिए 4 इंट आई इक्वल्स टू 0, ये हमारा जो चलेगा रो के लिए चलेगा, और रो जो है आपका 2 है, तो आई लेस देन इक्वल्स टू 1 कर सकते हो, जिसमें से आपका 0 भी आ गया और 1 भी आ गया, या फिर यहाँ पे 2 कर सकते हो और इक्वल टू हटा सकते हो। तो इक्वल टू जब हटाओगे तो यहाँ पे आपका आ गया 0 एंड 1, फिर यहाँ पे आप सेमी कॉलन दे दो और यहां पे आप दे दो i++, फिर यहां पे कर्ली ब्रैकेट आप स्टार्ट कर दो, तो ये रो वाला चलेगा। अब आपको कॉलम वाला चलाना है, तो कॉलम वाला चलाने के लिए 4 int j, यहां पे एक दूसरा वेरिएबल लेंगे j, इनिशियलाइज करेंगे 0 से, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और j लेस देन, इसको भी 2 चलाएंगे क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो 2 कॉलम है, तो 0 चलेगा 1 चलेगा, 2 पे वो स्किप हो जाएगा, तो यहां पे j प्लस प्लस आ गया, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट फिर से देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैट्रिक्स एडिशन करना है, तो सी आई दूसरे वाले में जे होगा, और सेम आपको ए आई जे करना है प्लस बी आई जे करना है, बी आई जे, इसको यहाँ पे सेमी कोलन दे दिया। अब देखिए ये लूप पे कैसे चल रहा होगा, जब पहला आपका रो चला i इक्वल टू 0 तो कंडीशन ट्रू हुआ होगा, 0 लेस देन 2, तो दूसरे वाले लूप में आ गए हम, इसमें हमने कॉलम वाला एलिमेंट चलाया j इक्वल टू 0, 0 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे c i j, i का वैल्यू कौन सा है 0 वाला और j वाला वैल्यू कौन सा है ये वाला, तो 0 0 इसमें भी आ गया, इसमें भी 0 0 आ गया, इसमें भी 0 0 आ गया, मतलब जो आपका एडिशन होगा वो पहले वाले एलिमेंट का होगा, तो 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 स्टोर हो जाएगा। सेम आपका दूसरा लूप जब चलेगा j वाला, तो j का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, i का वैल्यू अभी 0 ही है, तो 0, यहाँ पे j 1 हो गया, तो 0 1 0 1 0 1, 0 1 में हमारा जो एलिमेंट है कौन सा है, 0 1 पे हमारा 2, यहाँ पे भी 0 1 पे हमारा 3 3 2 क्या हो गया 5 हो गया, ये फर्स्ट वाला रो खत्म हो गया हमारा। अब क्या हो गया, जब वैल्यू यहाँ पे j की वैल्यू 2 हो गई होगी, तो 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स हुई होगी,
तो इस लूप से कंट्रोल बाहर आ गया और फिर यहां पे जाके वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो गई होगी, 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू हुआ होगा और फिर यहां पे कंट्रोल लूप के अंदर आया होगा। जे का वैल्यू यहां पे जब 0 हुआ होगा तो 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, तो यहां पे अब क्या हो गया 1 0 1 0 1 0, मतलब आपका यहां पे 1 0 1 0, तो 1 0 पे यहां पे 3 और यहां 1 0 पे 4, तो 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। और दूसरे वाले कंडीशन में यहां पे जब जे का वैल्यू 1 हो गया होगा तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, तो यानी कि आपका जो सेकंड वाला एलिमेंट है 1 1 यानी कि 4, 1 1 यानी कि 5, 5 4 कितना हो गया 9, तो इस तरह आपका एडिशन हो गया होगा। ये आपको समझना है कि एक बार आपके रो चलने से कॉलम वाला जो एलिमेंट चल रहा है वो 2 बार चल रहा है, तो इस तरह आपका मैट्रिक्स एडिशन होता है। और इसी को आपको प्रिंट करवाना है तो यहीं पे प्रिंट आप करवा दो साथ में, प्रिंट एफ परसेंट डी किया कॉमा सी पे हमारा आई चलेगा और जे वाला रो यहां पे साथ में चलता रहेगा, इसी को हम प्रिंट कराते रहेंगे। अब देखते हैं हम इसको कंपाइल एंड रन करके कि क्या आता है वैल्यू। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देखिए आपका वैल्यू आ गया है 3579, यही तो था ना 3579। अब आप चाह रहे हो कि इस फॉर्म में हमको दिखे, मतलब 3 के बाद 5 दिखे, फिर नीचे 7 दिखे, उसके बाद 9 दिखे, तो इस फॉर्म में आपको प्रिंट करवाने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो एक लूप चलेगा उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ में आपको बैक स्लैश एन कर लेना है, बैक स्लैश एन। तो इससे क्या होगा, जो पहला वाला रो चलेगा वो पहला वाला प्रिंट हो जाएगा हमारे कंसोल पे, उसके बाद सेकेंड वाले रो में 7n को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हम बैक स्लैश एन दे दिए हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा वो एक सही फॉर्मेट में आ जाएगा। चेक करके देख लेते हैं, इसको यहां से क्लोज किया, यहां से कंपाइल एंड रन किया, तो देखिए 3579 आ गया, तो सेम आपके मैट्रिक्स के फॉर्म में दिख रहा है। तो इस तरह आप मैट्रिक्स एडिशन कर सकते हो। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे यूजर के इनपुट के हेल्प से हम कैसे मैट्रिक्स एडिशन करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।